अस्सलाम वालेकुम। तो यार कैसे हो? तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा वीवो एपेक्स 2019 के बारे में। अब यार काफ़ी दमदार फ़ोन है, बहुत ही कमाल का फ़ोन है और इसको लॉन्च नहीं किया गया है, एक कॉन्सेप्ट फ़ोन है और कॉन्सेप्ट ही वर्किंग है और बहुत ही कमाल का फ़ोन है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे, आप लोग स्पेसिफिकेशन देखोगे, जो जो इसमें खास बातें हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप लोगों को वीवो एपेक्स 2019 के बारे में नहीं पता बिल्कुल भी, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा और बहुत ही कमाल का फ़ोन है ये वीवो की तरफ से। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार अगर हम लोग बात करें वीवो एपेक्स 2019 की, पहले इंटरेस्टिंग बात की जो कि मतलब बहुत ही कमाल की बात है, वो है इसमें फुल स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर। हमारे को पूरी स्क्रीन में हमारे को फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिला है इस मोबाइल में, जो कि यार आप लोगों को बहुत ही अच्छी बात लगी होगी अगर आप लोग इस मोबाइल के बारे में जानना चाहते। तो यह अगर आपको बात नहीं पता थी तो यार आप लोगों को ये बात अब पता चल गई है, मतलब बहुत ही कमाल की बात है। फुल स्क्रीन हमारे को ये चीज़ देखने को मिली है, फिंगरप्रिंट सेंसर। आप लोग कहीं पर भी टैप करोगे आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर वहाँ पर मिल जाएगा, पूरी स्क्रीन में हमारे को फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिला है। तो यार अगर हम लोग बात करें दूसरे इंटरेस्टिंग बात की जो कि बहुत ही कमाल की बात है, वो है इसमें हमारे को मिल रही है साउंड ऑन डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले के अंदर से हमारे को साउंड देखने को मिलेगा। हमारे को कहीं पर भी साउंड का ऑप्शन देखने को मिल रहा नहीं है, बल्कि इस मोबाइल में हमारे को एक बटन भी देखने को नहीं मिल रहा। तो आप लोग देख सकते हो यार, आप लोग इमेजिन करो कि डिस्प्ले के अंदर से साउंड निकलेगा और कितना कमाल का निकलेगा। आप लोग मतलब देख सकते हो कि डिस्प्ले के अंदर से साउंड देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे को साउंड ऑन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी हमारे को वीवो ने मतलब इंट्रोड्यूस करवाई है, ये भी मतलब हमारे को बहुत ही कमाल की देखने को मिल रही है। तो यार ये भी फीचर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है वो वीवो एपेक्स 2019 की। तो यार अगर हम लोग बात करें तीसरी इंटरेस्टिंग बात की जो कि इसकी बहुत कमाल की बात है, वो आप लोगों को यार आगे भी एक गिलास ही देखने को मिल रहा है और पीछे भी वही गिलास देखने को मिल रहा है। अब आप लोग देखो यार कैसे, मतलब उसी गिलास को मेल्ड किया गया, उसी गिलास को मोड़ा गया है अच्छी तरह, उसके एजिस को पूरा मोड़ा गया और उसी गिलास के अंदर कैमरास फिट किए गए हैं, मतलब सब कुछ एक ही गिलास के अंदर हुआ है। अब यार बहुत ही कमाल की बात लगी, ये भी आप बहुत इंटरेस्टिंग बात है इस मोबाइल की वीवो एपेक्स की, यार बहुत कमाल का काम करा है, मतलब मोड़ा गया है और यार बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है मोबाइल, ये आप लोगों को भी दिख रहा होगा। तो यार अगर हम लोग बात करें चौथी बहुत कमाल की इंटरेस्टिंग बात जो इस मोबाइल में खास है, वो है इसमें मैग्नेटिक चार्जिंग। अब हमारे को कोई भी माइक्रो यूएसबी या टाइप सी पोर्ट कोई भी देखने को नहीं मिली, मैग्नेटिक चार्जिंग वायरलेस चार्जिंग तो हमने देख ली, लेकिन इसमें हमारे को मैग्नेटिक चार्जिंग देखने को मिली है, जो कि यार बहुत ही कमाल की बात है। आप लोग पिन बस यूँ कनेक्ट हो जाएगा, यूँ लगाएंगे आपका मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा मैग्नेटिक चार्जिंग के थ्रू। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है बहुत कमाल इस मोबाइल की, तो आप लोगों को ये भी ज़रूर पसंद आएगी। तो यार अगर हम लोग बात करें इसमें पांचवी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी जो कि दी गई है वीवो वालों की तरफ से, इसमें हमारे को मिली है ई सिम की सपोर्ट, ई सिम टेक्नोलॉजी। ये हमारे को आईफोन की तरफ से देखने को मिली थी, लेकिन वही चीज़ हमारे को इसमें देखने को मिली है। और यार इसका जो असली मकसद है वो मैं आप लोगों को बताऊँ, इसमें हमारे को पहले से सिम मौजूद होती है, बस हमारे को सॉफ्टवेयर वाइज कनेक्ट करनी होती है। तो यार ये मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है ये सिम, और हमारे को यार कोई भी पोर्ट देखने को नहीं मिलती, कोई एक बटन भी देखने को नहीं मिलता, बल्कि साउंड क्या भी वो भी डिस्प्ले से आ रहा है, तो आप लोग खुद सोच सकते हो। और यार मतलब काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है ये, हमारे को सारी की सारी जितनी भी मतलब खास खास टेक्नोलॉजी थी जो कि मतलब वीवो वालों ने अनाउंस की थी, वही मैंने आप लोगों को बताई है। अब थोड़ी हम स्पेसिफिकेशन पर नज़र डालें तो यार स्पेसिफिकेशन में मैं आप लोगों को बताता हूँ इसकी प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर भी हमारे को स्नैपड्रैगन का 855 वाला प्रोसेसर मिल रहा है। अब ये 5G रेडी प्रोसेसर है और ये फ़ोन भी 5G सपोर्ट करता है, तो ये भी बहुत कमाल की बात है। अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारे को 6.39 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल रही है, और यार मैं आप लोगों को बताऊं इसमें हमारे को प्रोसेसर में लिक्विड कूलिंग की भी टेक्नोलॉजी देखने को मिली है। अब ये प्रोसेसर बहुत हाई होते हैं, ये आप लोगों को पता होगा, हीटिंग इशू देखने को मिलेंगे, इसलिए हमारे को इसमें लिक्विड कूलिंग की टेक्नोलॉजी भी देखने को मिली है। और यार 6.39 इंच की डिस्प्ले मिल रही है। अब 4K हैं 2K हैं ये मतलब फुल HD है ये नहीं पता, अभी तक वीवो वालों ने बताया नहीं है, लेकिन हमारे को ये देखने को मिली है। उसके साथ अगर हम लोग वेरिएंट की बात करें तो इसमें हमारे को 12 GB रैम 512 GB स्टोरेज, मतलब 12 GB रैम 512 GB स्टोरेज देखने को मिली है। और यार ये हाई वेरिएंट है, इससे मतलब कम वेरिएंट भी आएंगे, एक आएगा 6 और एक आएगा 8। और यार मतलब ये कॉन्सेप्ट, और अगर हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताने भूल गया कि बैक में हमारे को दो सेंसर देखने को मिलेंगे, एक 12 मिलेगा प्लस एक हमारे को 13 MP का सेंसर मिलेगा, और यार फ्रंट में एक सेंसर ही नहीं है। ये मतलब किसी ने सोचा नहीं है, फ्रंट में सेंसर है ही नहीं, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या डिस्प्ले के अंदर ही सेंसर लगा हुआ है, ये बात अभी तक किसी को नहीं पता और वीवो वालों ने ये अभी तक अनाउंस नहीं किया।
लेकिन फ्रंट में है सेंसर लेकिन अभी तक अनाउंस नहीं है, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है जो आप लोगों को नहीं पता होगी। तो यारो मुझे लगता है यार आपको आज की वीडियो पसंद आएगी और वीवो का एपेक्स 2019 भी आप लोगों को पसंद आया होगा। और यार ये मतलब एक वर्किंग कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट था जो कि वीवो ने मतलब बहुत ही कमाल का अपने लोगों को बुलाया और चेक करवाया हर किसी को। और अगर हम लोग देखें 2018 में तो वीवो का एपेक्स 2018 आया था जब हमारे को देखने को मिला था नेक्स्ट नेक्स्ट वीवो नेक्स्ट। अब क्या पता वीवो नेक्स्ट 2 आ जाए ये करके, मतलब इसमें हमारे को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है और ये एक कॉन्सेप्ट है और वर्किंग कॉन्सेप्ट है। और वाकई में नेक्स्ट 2 करके क्या पता ये मोबाइल आ जाए बहुत जल्द पाकिस्तान में भी। अब देखिए कब तक पाकिस्तान में आता है और फ्रंट कैमरा कहाँ पर है आप लोग ये सोचो, और मैं भी यही सोच रहा हूँ कि डिस्प्ले के अंदर सेंसर है। अब वीवो वाले इसको अनाउंस करने वाले हैं बहुत जल्द। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो जो बोला है वो कर देना और अपना ख्याल रखना। अर्फी अमनुल्ला, पाकिस्तान जिंदाबाद।